सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मैं हूँ रिहान और आप देख रहे हैं पोकेटाउन एक्स। सो गाइस, आज जैसे कि आपको याद होगा, आपने ट्रेलर देखा था अभी 30 मार्च को। मैंने एक ट्रेलर डाला था अपने चैनल पे जो कि एक सीरीज का ट्रेलर था, और वो सीरीज यही है जो मैं आज लेकर आ चुका हूँ। और गाइस, इस सीरीज का नाम है पोकेमोन द सीरीज यूट्यूबर एडिशन। मैं सच बता रहा हूँ, ये सीरीज की जो स्टोरी लाइन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाइस, इसके और भी ज्यादा एपिसोड्स आएंगे, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना। तो चलो, मैं इस सीरीज के बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं आपको। इस सीरीज का जो मेन हीरो है हमारा, उसका नाम है पीटीएक्स। यस गाइस, पीटीएक्स मतलब पोकेटाउन एक्स, वो जो मेन हीरो है। और इसके अंदर यूट्यूबर्स हैं सारे के सारे, तो इसलिए इसमें जो मेन हीरो है मैंने अपने आप को रखा है, क्योंकि मेरा चैनल है तो मैं थोड़ा सा समझ सकते हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और चीज, ये जो पीटीएक्स है ये यूपी का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है। यानी कि ये जो रीजन होने वाला है हमारा, ये इंडिया रीजन होने वाला है। इंडिया रीजन के ऊपर हमने एक और सीरीज स्टार्ट कर दी, मतलब ये कौन नहीं पहली सीरीज स्टार्ट है जो अब तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाई है। मैंने चेक करा था पूरा यूट्यूब, किसी ने नहीं बनाई इसके ऊपर सीरीज। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी नई एक नए सफर की शुरुआत। गाइस, जो हमारा पीटीएक्स है वो यूपी से मध्य प्रदेश जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसको अपना स्टार्टर पोकेमोन चुनना है, क्योंकि जो वहाँ का जो प्रोफेसर है ज्ञानमा, वही सबको स्टार्टर पोकेमोन देता है। जो ये प्रोफेसर है वो मध्य प्रदेश में रहने वाला है। चलो गाइस, अब हम यहाँ से यूपी से मध्य प्रदेश चलते हैं। अब मध्य प्रदेश हम आ गए वहाँ पर। जब प्रोफेसर के पास जाता है हमारा पीटीएक्स, वो रात को सोने के बाद सुबह उठकर जब प्रोफेसर लैब जाता है, तो वहाँ पर उसको एक और ट्रेनर दिखता है। और वो ट्रेनर कोई और नहीं होता, ट्रेनर है यूके। यस गाइस, उत्तराखंड का रहने वाला यूके है वो ट्रेनर। और गाइस, वहाँ पर उस ट्रेनर ने ऑलरेडी अपना जो स्टार्टर है वो चुन लिया होता है। और गाइस, उसका जो स्टार्टर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज वो है रायोलू। और गाइस, आप जानते हो रायोलू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस, यहाँ पर जो रायोलू होता है वो चुन लेता है वो यूके। और गाइस, अब जो हमारा पीटीएक्स होता है वो टेंशन में आ जाता है कि भाई प्रोफेसर आपने यूके को रायोलू दे दिया, अब मैं कौन सा पोकेमोन लूँगा। गाइस, वो प्रोफेसर से सवाल करता रहता है कि कितने पोकेमोन बचे हैं, मेरे को कौन सा मिलेगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नहीं है। तो गाइस, प्रोफेसर बोलता है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे सवाल अभी दूर करता हूँ। गाइस, प्रोफेसर उसको दिखाता है, अब चार पोकेमोन बचे हैं बस और बस, जिसका नाम है चार्मेंडर, दूसरा है हमारा फ्रोकी, तीसरा है हमारा पिकाचू और चौथा है हमारा गीबल। तो गाइस, अब हमारा जो हीरो होता है पीटीएक्स, वो बोलता है कि मेरे को चार्मेंडर चाहिए, क्योंकि मैंने बचपन से एक सपना देखा था चार्मेंडर को पकड़ने का और उसे ट्रेन करने का। और गाइस, इसलिए वो चार्मेंडर ही चूज़ करता है। तो गाइस, इसके बाद जो हमारा यूके होता है, यूके हमारे पीटीएक्स को एक बैटल के लिए ललकार देता है, मतलब पोकेमोन बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। अब पीटीएक्स कहाँ पीछे हटने वाला था, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया बैटल। गाइस, जब उसने एक्सेप्ट किया तो बैटल शुरू होती है इनके बीच। तो सबसे पहले पीटीएक्स बोलता है चार्मेंडर से, स्क्रैच यूज़ करो। बट जो हमारा रायोलू होता है यूके का, वो क्विक अटैक यूज़ करता है। और आप सब जानते हैं क्विक अटैक सबसे तेज लगता है, यानी कि सबसे तेज नहीं, मतलब स्क्रैच अटैक से तो तेज ही लगता है, तो उससे पहले लगता है। इस वजह से जो हमारा चार्मेंडर है वो जख्मी हो जाता है। फिर वो क्विक अटैक यूज़ करता रहता है रायोलू, इस वजह से हार भी जाता है, क्योंकि अभी लेवल 5 का ही था चार्मेंडर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, स्टार्टर ही था। तो गाइस, यहाँ पर रायोलू जीत जाता है। हमारा पीटीएक्स बोलता है, इस बार तो तुमने मुझे हरा दिया, बट जब हम अगली बार मिलेंगे तो तुम पक्का हारोगे, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। तो गाइस, अब हमारा जो यूके होता है वो थोड़ा, मतलब कि एटीट्यूड नहीं बोल सकते आप, थोड़ा स्टाइलिश होता है, कम बात करने वाला, इसलिए वो वहाँ से बिना रिप्लाई दिए चला जाता है। और गाइस, अब हमारा जो पीटीएक्स होता है वो लैब में बसता है। अब वहाँ पर उसकी मोम आ जाती हैं और उसकी मोम कहती हैं कि ये लो अपने कपड़े वगैरह सब। और जो हमारा प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर अपने पीटीएक्स को यूके को ऑलरेडी दे दिया होता है पोकेडेक्स और मैप वगैरह, लेकिन अब वो पीटीएक्स को एक पोकेडेक्स देता है, एक मैप देता है, ताकि वो अपना सफ़र शुरू कर सके। तो गाइस, यहाँ से हमारे जो पीटीएक्स होता है उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई होती है। गाइस, आगे की कहानी आपको अगले एपिसोड में पता चलेगी, तब तक के लिए वेट करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।